Welcome back to my channel Ambitious Technologist. Today in this video I'm going to teach you something new about the purchase and procurement related thing. जिसे हम लोग बोलते हैं परचेस और प्रोक्योरमेंट और सेल्स ऑर्डर क्या होते हैं, इन सब चीज़ें जैसे इंटरनेशनली हम लोग कैसे डील करते हैं एंड हाउ टू मेक अ इंटरनेशनल परचेस ऑर्डर एंड हाउ टू फॉलो अप एंड हाउ डज इट हैपन्स इन दिस वीडियो यू विल सी एवरीथिंग. सो सबसे पहले मैं आपको एक ये जैसे देखिए ये हमारे पास एक सेल्स ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है. और सेल्स ऑर्डर रिमेंबर कि वही तभी आता है जब हम अपने सप्लायर से या जिसे डील कर रहे होते हैं उससे वो पहले कोटेशन. सपोज आपको लकड़ी चाहिए, आप एक लकड़ी की बनाने वाली कंपनी हो, ठीक है, फर्नीचर रिलेटेड, तो आप लकड़ियों को आपको ख़रीदना है. सपोज़ आपको ब्राज़ील से ख़रीदना है तो आप क्या करेंगे, या यूरोपियन कंट्री से ख़रीदना है लकड़ियाँ तो आप सबसे पहले उनके साथ डील करेंगे, बातें करेंगे, कोटेशंस मंगवाएंगे. यू लास्क देम अबाउट देयर कोटेशन प्राइसेस एंड ऑल. सो तो वो क्या करेंगे, भेज देंगे. कोटेशन पसंद आने के बाद यू गेट अप्रूव्ड, ठीक है, आपका ऑर्डर अप्रूव्ड होता है, फिर सेल्स ऑर्डर वो लोग बना के देते हैं. तो जैसे देखिए कि अब वो लोग सेल्स ऑर्डर सेल्स को सेल करने के लिए ऑर्डर भेजे हैं, ठीक है. तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं आपको बताऊंगा. सबसे पहले देखिए, आप देख सकते हैं ये सेल्स ऑर्डर में ये एक नंबर है, ये उनका एक सेल्स ऑर्डर नंबर है जो कि वो अपने रिकॉर्ड्स के लिए एक सीक्वेंस में एक सीरियल नंबर में लेके चलते हैं वो, ठीक है. और ये ऑर्डर डेट होता है, ठीक है, सेल्स पर्सन किसके साथ आप डील कर रहे हैं उसका नाम होगा, ठीक है. और ये उनका एड्रेस है, 11 इंटरनेशनल लिमिटेड रॉयल एक्सचेंज एवेन्यू लंदन यूनाइटेड किंगडम, फ़ोन एड्रेस वगैरह वगैरह. ये उनकी कंपनी का लेटर हेड और कंपनी का लेटर पेड पे होना चाहिए, ठीक है. अब ये सेल टू, दिस इज़ आवर कंपनी हादार आउट इंडस्ट्री कंपनी, सेकेंड इंडस्ट्रियल में है दमाम सऊदी अरबी, ये हमारा टेलीफोन नंबर, ठीक है. शिप टू, किसको शिपिंग करना है, सेल करना है. शिप इसलिए करना है क्योंकि हमारे कंट्री में नहीं है कि वो लोग तुरंत देने, शिपिंग के जरिए आएगा, इसलिए शिप टू ये हमारा एड्रेस है, शिप हमको करेंगे, ठीक है. अब टर्म्स, डिलीवरी ऑफ टर्म्स, इनको टर्म्स. फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात जानने के लिए आपको ज़रूरी है इस जगह पे. देखिए ये इनको टर्म्स 2010, ये इनको टर्म्स जो है इंटरनेशनल कॉमर्शियल जो एक लॉ है जो कि पूरे वर्ल्ड को फॉलो करती है, पूरे कंपनियाँ इसके अंडर रजिस्टर्ड होती हैं, सारे मुल्क के सारे कंट्रीज़ के लोग, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो भी है, ठीक है. ये इनको टर्म्स है इंटरनेशनल कॉमर्शियल, ठीक है, इंटरनेशनल कॉमर्शियल का एक लीगल अथॉरिटी बॉडी है, ठीक है. तो उसके तहत ये सारे एक आपको याद होना चाहिए, जैसे हम अगर किसी के साथ डील करते हो फॉरेन में या वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली ग्लोबली, तो ये सब इनको टर्म्स है, ठीक है, इंटरनेशनल कॉमर्शियल लॉ का टर्म्स है तो जो कि आपको मेंशन करना चाहिए और इसी टर्म्स पे हम लोग फॉलो किया जाता है. इट्स ऑफिशियल स्टैंडर्ड टर्म्स. तो CIF, ठीक है, CIF क्या हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है, कस्टम इंश्योरेंस फ्रेट, ठीक है, CIF पे डील हो रही है. टर्म्स ऑफ डिलीवरी क्या होगा, बेस्ड ऑन दिस पेमेंट, ठीक है, कोस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ठीक है, कोस्ट इंश्योरेंस और फ्रेट, मतलब ये जो हमारा जैसे हम उनसे डील कर रहे हैं तो कोस्ट और इंश्योरेंस और फ्रेट का प्राइस जोड़कर ये टोटल प्राइस बता रहे हैं. हम बोल देंगे इसमें बहुत सारी जैसे एक्स वर्क होता है, ठीक है, FCA होता है, फ्री कैरियर होता है, CPT होता है, कैरेज पेड टू, और एक DDP होता है, डिलीवर ड्यूटी पेड, FSC होता है, CFR होता है, कॉस्ट एंड फ्रेट. लेकिन अब किस पे आप लोग सहमति आप एग्री होते हैं सप्लायर और बायर के साथ, ये आप लोगों का हमारा ये पर्सनल चीज़ें होती हैं कि किससे, अगर इफ़ वी आर गोइंग टू डील इन ए CIF फॉर्मेट तो हमें CIF फॉलो करना पड़ेगा. इफ़ वी गेट एग्रीड कि नहीं हमें CIF नहीं चाहिए, हमें एक्स वर्क चाहिए. एक्स वर्क में क्या होता है, ये सारे इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स होते हैं. एक्स वर्क मतलब वो अपने फैक्ट्री से माल रिलीज कर देगा, वो उसके बाद दम्मा में सऊदी में बैठे लोग उस ब्राज़ील से कैसे लेकर आना है वो उनकी जिम्मेदारी होती है. वो पोर्ट, वहाँ के पोर्ट तक, ब्राज़ील के पोर्ट तक, बंदरगाह पे वहाँ तक छोड़ देंगे, अब वहाँ से हमें लाना. लेकिन हम बोल रहे हैं उनको नहीं, कोस्ट भी आप पे कीजिए, इंश्योरेंस भी आप पे कीजिए, फ्रेट मतलब वो चार्जेस ढोने का, ठीक है, पानी के जरिए आएगा तो फ्रेट, सी वाटर फ्रेट चार्जेस वो पे करेंगे, ठीक है. तो ये देख लिए CIF होता है, इनको टर्म्स है, इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म बिज़नेस का. तो लास्ट शिपमेंट डेट वो होती है 30 अप्रैल तक पहुंच जाएगा, ठीक है, और ये आज का डेट है, देख सकते हैं ये 28 जनवरी, ठीक है, ये 28 जनवरी, और हमारा शिपमेंट आ जाएगा मटेरियल कब,
30 अप्रैल तक को, क्योंकि टाइम लगता है। पेमेंट टर्म्स क्या है? टीटी है, ठीक है। टोटल ट्रांसफर होगा अगेंस्ट कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है? जैसे हमारा इनवॉइस, बिल ऑफ ओरिजिन, जिस कंट्री से आप सामान आ रहा है तो बिल ऑफ ओरिजिन होता है, ओरिजिन। उसके बाद आपको सीएडी होगा, पूरा कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट। डील कब होगा? पेमेंट हम तभी करेंगे जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे। और सप्लायर डॉक्यूमेंट कब देगा? जब वो पूरा रवाना कर देगा माल, मटेरियल लोड करके शिप में, तो ही उसको मिलेगा। बिल ऑफ लेडिंग चाहिए, बिल ऑफ ओरिजिन चाहिए, वहाँ का चैम्बराइज का सब कुछ होने चाहिए डॉक्यूमेंट, फिर कमर्शियल इनवॉइस देने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट हमें जब मिल जाएंगे तब हम उनको पूरा पेमेंट कर देंगे। ये है पेमेंट टर्म्स का डील, टर्म्स है सर। पोर्ट ऑफ ओरिजिन क्या है? ठीक है, ये पोर्ट ऑफ ओरिजिन है इताजाई नेवागांटी ब्राज़ील, ये पोर्ट है। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में पोर्ट्स है मुंबई में, गुजरात में, ठीक है, वैसे ही हमारे सऊदी में ये उनका पोर्ट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, ये पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन दमाम सऊदी अरब में आएगा। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं हमारा मटेरियल क्या क्या है। केडी, ठीक है, ये ब्राज़ीलियन पाइन, ठीक है, रफ सोन। ये ब्राज़ीलियन पाइन मतलब एक पाइन, एक लकड़ी होती है अच्छी क्वालिटी की, ये ब्राज़ीलियन हमें लकड़ी चाहिए, हमने जिस पे ऑर्डर किया था। ये साइज़ है, थिकनेस, लेंथ, विड्थ 17 mm, थिकनेस, विड्थ एंड लेंथ 1100। पैलेट ए ग्रेड का चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है देख सकते हैं, वॉल्यूम ये 600 क्या है, ये क्वांटिटी है 600 क्यूबिक मीटर, 600 क्यूबिक मीटर। M3 इज अ, ये सिंबल है M3, आप देख सकते हैं M3 एक सिंबल होता है जो कि डिनोट करता है क्यूबिक मीटर को। 600 ये चाहिए, और ये साइज का हमें 150 CBM चाहिए, मतलब क्यूबिक मीटर, और ये साइज का हमें 750 CBM चाहिए। ठीक है, 750 आप इसको कंसिडर करेंगे, साथ ये 1 10 100 1000 10000 lakh, ये 7 lakh नहीं है, ये 750, क्योंकि कोमा हमको कंसिडर करना है। ठीक है, और उसके बाद ये प्राइसेस है, प्राइसेस पर क्यूबिक मीटर इन USD डॉलर में है। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ USD का सिंबल, आपको नोटिस करनी पड़ेगी हर चीज़ें। $382 पर CBM, मतलब एक CBM, दिस इंटू दिस यू विल गेट दिस। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख ले, ये हमारा रिजल्ट ये आएगा 210। ठीक है, तो 380 385, तो टोटल ये बिल 1 10 100 1000 10000 lakh, ठीक है, 5,74,950 का ये बिल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ देख लिए, हमारा डिस्क्रिप्शन आ गया। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे, को नोट्स। ये नोट्स है जो कि हमारी सारी शर्तें हैं वो मेंशन होनी चाहिए, जैसे हम लोग फ़ोन पे वर्बली या बात करके जैसे भी डील क्लोज करते हैं, तो हमारी सारी बातें हैं जो कि वो नोट्स में हमने कहा, तो उनको लिख के सेल्स ऑर्डर आप भेजिए, तो हम लोग अप्रूव कर देंगे और परचेस ऑर्डर हम लोग फाइनली दे देंगे आपको। तो फिर क्या किया उन्होंने, क्वान्टिटी 13-40, ये ठीक है, 13-40 के कंटेनर में लोड होंगे, 10% अलाउंस फॉर मोर और लेस अमाउंट, कम बेसी हो सकते हैं, टॉलरेंस 1 mm प्लस 2 mm, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉलरेंस क्या होता है, थोड़ा अगर 1 मीटर या 1 mm या 2 mm बड़ा छोटा हो तो कोई बात नहीं, इतना हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। मैंडेटरी सर्टिफिकेट्स, ठीक है, 15 सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिन चाहिए। क्या क्या चाहिए? नोट्स, अभी मतलब वो क्या क्या देंगे वो बता रहे हैं। साइको सैनिटरी सर्टिफिकेट होता है, गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि ये लकड़ियों में कोई फंगस या कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस या कुछ भी तरीके का बीमारी नहीं है, ये फ्री है, इट्स टोटली मतलब इन्फेक्शन फ्री और फंगस फ्री वुड इट विल बी। तो साइको सैनिटरी सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जब लैंड होगा, जब हम लोग अनलोड करेंगे शिप में, हमारे सऊदी का पोर्ट पे आएगा, तो कोई बीमारी ना आ जाए इस कंट्री में, इसलिए सर्टिफिकेट हमें अगर नहीं दिया जाएगा, सप्लायर अगर हमें नहीं देगा, तो हम कैसे प्रूव करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे? हमारे कस्टम वाले अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं रहा तो माल वो रिजेक्ट कर देंगे, होल्ड कर देंगे, देंगे ही नहीं। ठीक है, ओरिजिन ऑफ कंट्री ब्राज़ील, एनी सिग्निफिकेंट इंक्रीजेज ऑन ओशन फ्रेट रेट, ये जो भी है टर्म्स एंड कंडीशन है। ठीक है, प्लीज नोट 11 इंटरनेशनल इज अलाउड टू फॉरवर्ड डायरेक्ट दिस ऑर्डर अ पार्ट ऑफ दिस एक्सपोर्टर अंडर मल्टीपाइंस। ठीक है, एनी, तो इस तरीके से ये सेलर का सिग्नेचर और सेलर वहाँ पे एक्चुअली भेज दिए हैं, सब डिजिटलाइज सिग्नेचर है। ठीक है, ये हमारा हमारे ओनर का सिग्नेचर, ठीक है, डिजिटल, जो हमारे बैर हैं, हम खरीद रहे, तो ये हमारे अप्रूव हो गया। अब इस बेस्ट पे देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा फर्स्ट पेज, ये बनाया मैंने परचेस ऑर्डर। ठीक है, ये परचेस ऑर्डर ध्यान दीजिएगा,
अब ये जो ऑर्डर है, ये सेल्स ऑर्डर का नंबर से, इस नंबर से नंबर को लेके, बेस्ड ऑन दिस नंबर आई क्रिएट अ न्यू परचेस ऑर्डर विच विल बी दिस। देखिए E22 देख सकते हैं आप, यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है, ये नंबर, यस E22 01286, ये नंबर हमने, ये देखिए यहाँ से लिया 1286, ठीक है। तो अब ये उनके सेल्स ऑर्डर नंबर से, तो यहाँ मैंने लिख दिया ये फॉर योर रेफरेंस, ये हमारा सीरियल नंबर है 221, और ये PFPO फ्री फॉरन परचेस ऑर्डर, उनका आज का डेट और उनका एड्रेस जो भी लिखा हुआ था हमने यहाँ एज इट इज़ कॉपी कर दिया। यहाँ से आप देख सकते हैं ये एड्रेस मैंने, ठीक है, पूरा का पूरा मैंने यहाँ कॉपी कर दिया, ये कॉलम में मैंने बना के डाल दिया। और शिपमेंट फेब और मार्च के बीच में आएगा, अप्रैल तक आएगा, इसलिए मैंने फेब मार्च अप्रैल लिख दिया, ठीक है। अब आएगा हमारा डिस्क्रिप्शन भी, हम भी अपने तरफ से उनको एक नोट देना चाहते हैं कि वाइट शोन टिम्बर नॉट एक्सीडिंग 2 मीटर लेंथ और थिकनेस 17 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमने अपने दे दिया नंबर 1, 2, 3, क्वान्टिटी डाल दिया 6, 150, 750, देख सकते हैं आप, यहाँ पे वही है 600, यहाँ देख सकते हैं 600, देख सकते हैं 600, 150, 750, टोटल 1500 CBM लकड़ी हम लोग मंगवा रहे हैं क्यूबिक मीटर, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ टोटल 1500 60 से 150 या 750, ठीक है, प्राइस जैसा उन्होंने कहा था मैंने डाल दिया, ठीक है। अब बनने के बाद ये हमारा रिमार्क्स रहेगा, हमने उनको कहा वी हैव डिमांडेड कि नहीं पैकिंग मिनिमम 5 स्ट्रेप्स होने चाहिए लकड़ियों में, बंडल्स को 3 इंचेस सॉलिड स्ट्रेंजर से बंधे होने चाहिए बंडल में, नंबर ऑफ पीसेस एंड इट साइज मस्ट बी रिटेन ऑन ईच पैलेट और पैकेट, ठीक है, वो बंडल्स के ऊपर, क्योंकि कस्टम वाले वो सब चेक करते हैं। वी प्रिफर PI मतलब प्रोफॉर्मा इनवॉइस नंबर और आवर PO नंबर ऑन कमर्शियल इनवॉइस। जब वो कमर्शियल इनवॉइस जो फाइनली जो बनने के बाद जो फाइनलाइज होगा, उस कमर्शियल इनवॉइस पे हमारा ये PO नंबर, PI नंबर यानी तो PO नंबर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है, TT टोटल ट्रांसफर अगेंस्ट कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसे ही मिलेगा तो ये हम पेमेंट करेंगे। और उसके बाद ये प्रिपेयर्ड हमने किया, हमने साइन किया, अकाउंटेंट जो हमारे वो साइन किए, प्लांट मैनेजर साइन किया, डायरेक्टर साइन किया, स्टैम्प हो गया, डन। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हमने, आप देख सकते हैं, इसको मैंने ईमेल करके भेज दिया है, ठीक है, ये हम अपने, ये देखिए मैंने भेज दिया है सेकिजाज हमारे जो भी सप्लायर है, ठीक है, और सप्लायर को रख के, और हमारी जो ट्रेड फाइनेंस की टीम है जो कि फाइनेंस मतलब सारा फाइनेंस देखती है, तो मैंने उनको फॉरवर्ड कर दिया, काइंडली फाइंड द PO अटैचमेंट फॉर एलेवन इंटरनेशनल लिमिटेड, नाउ व्हाट दे विल डू दिस पर्सन आवर फाइनेंस टीम सेकिजाज, देख सकते हैं PSG फाइनेंस, ठीक है, ये फाइनेंस टीम को मैंने फॉरवर्ड किया ACC अकाउंटेंट को, ठीक है। अब वो जो भी बिल है आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी खुला हुआ, सॉरी, ये जो बिल है ना, ये जो टोटल बिल है 5,774,950 का, ये बिल वो लोग पे करेंगे, ठीक है, जब कब पे करेंगे, जब वो उनको पूरा, और इसके लिए हम लोग LC खोलना पड़ता है, ठीक है, LC, ये देखिए हमने भेज दिया, इनको मेल कर दिया है, वही डॉक्यूमेंट है, ठीक है, 11 इंटरनेशनल। भेजने के बाद अब वो क्या करेंगे, हमारी फाइनेंस टीम, वो जैसे ही मतलब मटेरियल रेडी टू डिस्पैच हो जाएगा, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, जैसे ही वो लोग भेजेंगे तो ऑलरेडी इनके साथ हमारा LC खुला हुआ, लेटर ऑफ क्रेडिट खुला हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही वो लोग सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएंगे, वो लोग माल शिपमेंट में डाल के कंटेनर में लोड करके सारा कंटेनर नंबर हमको मिलेगा, ठीक है, BL नंबर दे देंगे, तो हम यहाँ से अपने बैंक को वो डॉक्यूमेंट हमारे बैंक को भेजेंगे, उनके बैंक, क्योंकि LC है, लेटर ऑफ क्रेडिट के बेस्ड पे पेमेंट होता है, तो हमारे बैंक को भेजेंगे, उनके बैंक हमारा बैंक हमें हमारी कंपनी में भेजेगा, उसके बाद हम पेमेंट करेंगे अपने बैंक को, और पेमेंट हमारा बैंक उनको पेमेंट कर देगा, तो इस तरीके से सारा डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाएगा जैसे ही हम रिसीव करेंगे तो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो ये परचेस ऑर्डर मैंने बनाया था कल, ये एक्चुअली मैंने इसका प्रिंट लिया और ये इसका एक्सेल कॉपी है, देख सकते हैं आप, 574950 यहाँ पे भी है, 574950, ठीक है। साइन करने के बाद क्या होता है, परचेस ऑर्डर क्लियर हो गया, अब हम बना के भेज दिए, ठीक है। उसी तरीके से ये लोकस्टन का उरुग्वे है, ये दूसरे कस्टमर्स है, ठीक है, सबका अलग अलग चार्जेस है, तो इस तरीके से देखते हैं हम बना के कुछ 20% एडवांस 80% CAD, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, पेमेंट टर्म्स आप कैसा डील करते हैं अपने सप्लायर और बैर के बीच का रिश्ता कैसा, वो डिपेंड करता है। सो 20% एडवांस होगा, ठीक है, 80% CAD,
CAD मतलब कैश अगेंस्ट ऑल द डॉक्यूमेंट, यस कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट 20%। जैसे हम एडवांस पेमेंट करेंगे तो सारा हमारा शिपमेंट का काम स्टार्ट कर देगा, लोडिंग पोर्ट वोट पे भेजने का, ठीक है, अगर उसके पास स्टॉक रहेगा तो। और रेस्ट 80% हम कब देंगे, CAD पे हमारे बीच में बात हुई है। जैसे ही हमारे सारे डॉक्यूमेंट वो हमको भेजेगा, हमारा जो सप्लायर है, ठीक है, सेलर, वो हमें भेजेगा बिल ऑफ ओरिजिन, साइकोसेमेट्री सर्टिफिकेट, बिल ऑफ ओरिजिन, इन कॉमर्शियल इन्वॉइसेस, ये सब कुछ भेज देगा तो हम पेमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, और कल के पिछले वीडियो में मैंने बताया था कैसे परचेस ऑर्डर बनाया जाता है। कुछ नहीं होता, सिर्फ एक कंपनी का लोगो होता है एक यहाँ पे, और उस कंपनी का एड्रेस, ईयर, बैट नंबर बना के अपने कंपनी का लेटर हेड पे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा कि सेल्स ऑर्डर या प्रोफॉर्मा इनवॉइस एक ही चीज़ होती है, इसको बेस्ड इन सारे डॉक्यूमेंट के, इसके बेस्ड पे हम लोग परचेस ऑर्डर बनाते हैं, फिर उसके बाद वो लोग डिलीवरी भेज देंगे, डिलीवरी करने के बाद डिलीवरी नोट और इनवॉइसेस भेज देंगे, उसके बाद क्लोज हो जाती है डील। तो उम्मीद करते हो मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर।